Hi friends, welcome to Dave Educare. And today we shall study matrix class 12. Okay, so students, matrix and determinant एक important chapter है जो ना सिर्फ 12th board के लिए important है, बल्कि whatever the competitive examinations are there on the basis of 11-12 matrix determinant के question आते ही आते हैं. स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे. अरे मीन्स क्या होता है? अरे मीन्स अरेंजमेंट, अलग से इसको लिख लेते. अरे मीन्स अरेंजमेंट. So it is a matrix is a rectangular array where the members ko kehte elements are kept into a रेक्टेंगुलर बॉक्स. सो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरे है जहाँ पर उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखे जाते हैं, राइट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. एंड सपोज योर मॉम गोज टू द वेजिटेबल मार्केट एंड सी हैज टू बाय सर्टेन वेजिटेबल आइटम्स लाइक उनको पोटैटो खरीदना है, अनियन खरीदना है एंड टोमेटो खरीदना है. सपोज ही हैज़ टू बाय 10 kg पोटैटो, 5 kg अनियन एंड 3 kg टोमेटो. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन 10, 5, 3 एज एलिमेंट्स and we kept them into rectangular box. So इस तरह की जो arrangement होती है इसको हम कहते हैं matrix. And suppose rates are given, इस item matrix को I से suppose हमने denote किया और rate matrix ले लेते. rate matrix को column में इस तरह से लिखते. suppose potato की rate है 20 per kg, onion 30 per kg, टोमेटो 25 पर केजी. ये आपका रुपीस पर केजी रेट्स है. सो आर मैट्रिक्स से डिनोट किया. सपोज वी हैव टू फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर, सो दैट कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आई एंड आर. सो आई आर विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर. अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इन बिटवीन मैट्रिक्स को और इलोबरेट करते. सो मैट्रिक्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं. सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, सो वी हैव टेकन A11, A12, A13, A14 and so on to A1n, ठीक है? एंड A21, A22, इन दिस वे AM1, AM2, AM3, AM4, AMN. सो इनको रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने रख दिया. नाउ यहाँ पर ये 11, 12, 13, 14 ये क्या डिनोट करते? तो सपोज स्टूडेंट्स, इसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं.
तो टोटल एलिमेंट्स हमारा कितना है, m बाय n, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ए आई जे। आई जो है वो रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। ए वन वन मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। सो इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे अगर इसका ऑर्डर हमें पता करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये m बाय n, व्हाट वी रीड m बाय n, सो दिस इज m इनटू n व्हिच इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, m बाय n। सो ऑर्डर इसका क्या है, m बाय n है, ठीक है। इरेज करते हैं इसको, सपोज इस तरह से एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सो हाउ मेनी रोज आर देयर, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू आल्सो 2। सो ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, ऑर्डर इज 2 बाय 2, एंड सिंपली वी से ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। सो ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पहला रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स नाम से ही पता चलता है, रो मैट्रिक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स विल बी इन अ रो। इस तरह से ए बी सी मान लो एलिमेंट्स हैं, वो एक रो में, देर इज ओनली वन रो, सो इट इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, सो एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, कॉलम में, ए बी सी एलिमेंट्स हैं कॉलम में, सो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, द नेम सजेस्ट द एलिमेंट्स विल बी इन डायगोनल एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी जीरो। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इस तरह से, सो वी कैन इजीली फाइंड दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी द सेम, देन वी से इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। हेयर वी कैन से डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ए है डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ इफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज अ यूनिट, यूनिटी, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका यूज होएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो
डायगोनल में वन है, यूनिटी है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ये मतलब m इक्वल्स टू n है तो देन वी से इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो अगर इस तरह से है a b c d e f g h i तो ये नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये क्या है 3x3 मैट्रिक्स है. नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे देन हम क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस. सपोज ए और बी दो मैट्रिक्स है और उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, ए 1 2 3 4 5 6 है. और बी भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो ये क्या कहेंगे, ए इक्वल्स टू बी कहेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए इक्वल्स टू, लेट ए इक्वल्स टू 0 2x 5 x plus y 4 0 3 1 x. और b है आपका 0 4 5 5 4 0 3 1 2. ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू बी गिवन है देन फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली. ठीक है, तो क्या करना है. अच्छा, कंडीशन क्या है इक्वल मैट्रिक्स के लिए. कंडीशन ये है, ऑर्डर सेम होनी चाहिए. दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये दो बेसिक कंडीशंस हैं. ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए. तो देखना है 2x की जगह इधर क्या है, 4 है. यहाँ पर 2x है और इधर क्या है, 4 है, b में 4 है. तो 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गया. उसी तरीके से यहाँ से भी x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स में. देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो x की वैल्यू 2 हो गया. बट यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, और x की वैल्यू 2 है. तो x प्लस वाई 5 है और x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई 5, तो y की वैल्यू आ जाएगा 3. नाउ क्वेश्चंस करते हैं हम. क्वेश्चन 1, फॉर्म अ 2x2 मैट्रिक्स इफ ए आई जे equals to I plus J upon 2 whole square upon 2. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, I की जगह पहले 1 रखो और J की जगह भी 1 रखो. फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो A 1 1, 1 plus 1 upon 2, सो ये 2 square 4 upon 2
टू आ गया, और यहाँ से ए वन टू, तो वन प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन टू, तो दिस इज नाइन अपॉन टू, सो नाइन अपॉन टू आ गया। ए वन थ्री नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टू बाई टू मैट्रिक्स है, टू बाई टू मैट्रिक्स लिया है हमने, तो टू बाई टू मैट्रिक्स है, तो ए टू वन, ए टू वन लिखेंगे, टू प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू, तो ये आपका अगेन थ्री स्क्वायर बाय टू, नाइन बाय टू आ गया, ठीक है। ए टू टू, टू प्लस टू होल स्क्वायर बाय टू, तो सिक्सटीन बाय टू इज एट। अब हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है बॉक्स में, तो टू नाइन बाय टू, नाइन बाय टू एट, तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे क्वेश्चंस, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड डू योर वर्क, थैंक यू।